हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक मॉन्स्टर कार की, जो कि गाइस 4x4 है। मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो गाइस, ये कार है, तो ये सब साइड का पोर्शन है। अब गाइस, मैं आप लोग को मेन कार दिखाता हूं। तो गाइस, ये हमारा मेन कार है, मॉन्स्टर कार है ये। तो गाइस, देख सकते हैं। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ गाइस। और गाइस, इसे जो है मैंने परचेज़ किया है अमेजोन से। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा गाइस। बाकी इस कार के बारे में आप लोग को बताऊंगा। और फिर गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार कि ये जो कार आप लोग को लेना चाहिए या फिर नहीं। इसका अच्छे से टेस्ट भी हम लोग करेंगे, इसका स्पीड टेस्ट करेंगे और बाकी सब करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं इसके अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो गाइस, ये हमारा निकल चुका है इससे कार। तो गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं ये कार है। तो गाइस, इसे हम लोग रखते हैं साइड में। अब गाइस, इसके नीचे हम लोग को मिल जाता है रिमोट। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिला है। तो गाइस, ये बॉक्स में आया था, और उसके एक बॉक्स में तो ये कार है। उसके बाद गाइस, इस बॉक्स में हम लोग को मिल जाती है रिचार्जेबल बैटरी, जो कि गाइस 700 mAh की है और 4.8V की है। तो गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी है। और गाइस, इसके इसको चार्ज करने के लिए हमें मिल जाता है एक चार्जर। तो गाइस, देख सकते हैं ये इसका चार्जर है। और गाइस, उसके बाद मिल जाता है हमें यहाँ पर ये रिमोट। तो गाइस, ये रिमोट है, मैं आप लोग को पास से एक बार सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है गाइस, ये कार है। मैं गाइस अच्छे से कार आप लोग को खोल के दिखाना होगा। उसके बाद गाइस, ये मिल जाती है बैटरी। और गाइस, यहाँ पर है ये चार्जर। और गाइस, यहाँ पर मिल जाता है हमें रिमोट, जिसमें कि गाइस डबल ए बैटरी लगती है 1.5V की, 3 इसके अंदर। तो गाइस, यहाँ पर जो है कार में लॉक लगा हुआ है पीछे की साइड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे जो हम लोग को काटना पड़ेगा, तो ऐसे मैं काट रहा हूँ। तो गाइस, ये जो हमारा मॉन्स्टर कार है वो निकल चुका है। और गाइस, इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, ये कार है। और फिर मैं आप लोग को इसे पास से दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका सॉकर है। और गाइस, इसका सॉकर जो है सच में गाइस काम करता है, ओरिजिनल है। और गाइस, इसके टायर की बात करें तो ये रबड़ के टायर है। और गाइस, देख सकते हैं ये वैक्यूम टायर है। और इसकी बॉडी की बात करें तो गाइस अच्छी बॉडी है इसकी। और गाइस, एक मोटर जो मेन मोटर है ये यहाँ पर है। और गाइस, इसमें जो है दो मोटर है आगे पीछे, क्योंकि गाइस इसके जो चारों टायर्स है वो चारों काम करते हैं यहाँ पर। और गाइस, यहाँ पर मेन मोटर है, रोटेटिंग वाले मोटर्स हैं यहाँ आगे में, लेफ्ट राइट वाले। और गाइस, इसका जो 4x4 है ये कार। तो गाइस, मैं अब आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ बैटरी जो है गाइस यहाँ पर लगती है। तो गाइस, अब मैं इसमें बैटरी लगा देता हूँ, फिर गाइस हम लोग इसमें जैसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से खोल लेता हूँ। तो गाइस, इसे मैं स्क्रू ड्राइवर से इसे खोल रहा हूँ। तो गाइस, ये जो हमारा खुल चुका है। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है DC 4.8V। और गाइस, ये जो हमारा बैटरी है इसे हम लोग को यहाँ पर लगाना है। तो गाइस, मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है बैटरी जो है लग चुकी है। अब इसे गाइस यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके।
तो गाइस इसमें जो मैंने बैटरी को लगा दिया है, अब गाइस मैं इसका जो कवर है इसे लगा देता हूँ। तो गाइस ये तो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम लोग रिमोट में लगा देते हैं। तो गाइस में मैं लगा रहा हूँ डबल ए बैटरी 1.5 वोल्ट की, 3 पीस हम लोग को इसमें लगाना है। तो गाइस ये भी हम लोग का लग चुका है। इस दोनों में गाइस हम लोगों ने बैटरी को लगा दिया है, अब गाइस हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस पीछे इसका बटन है ऑन करने का, तो गाइस इसे हम लोग यहाँ से कर देते हैं ऑन, और गाइस इसे हम लोग उल्टा ही रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब जल रहा है रेड ब्लू, इसे हम लोग उल्टा कर देते हैं। और गाइस रिमोट को भी हम लोग यहाँ से कर देते हैं ऑन, तो गाइस यहाँ पर ये ऑन हो रहा है। और गाइस शायद ब्लिंक होना बंद हो गया और ये कनेक्ट हो चुका है। अब गाइस इसे हम लोग आगे की ओर चलाते हैं, तो गाइस देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को मैं एक बार इसका जो है गाइस डिब्बा दिखा देता हूँ गाइस पूरा। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो डिब्बा, ये फ्रंट है गाइस, और इसके बारे में गाइस ये सब लिखा हुआ है। ये गाइस 2.4 GHz वर्जन है, और गाइस ये फुल फंक्शन रेडियो कंट्रोल, और गाइस ये सब सॉकर का और वैक्यूम टायर का, ये सब गाइस 4x4 है गाइस। अब मैं इस साइड से आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये कार का ये फोटो बना हुआ है, और गाइस मैं इस साइड अब दिखा देता हूँ। तो गाइस इस साइड में दूसरा कलर का फोटो बना हुआ है कार का ही, और गाइस मैं आप लोग को इसका बैक साइड दिखा देता हूँ। तो गाइस ये सब आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और गाइस ये सब आप लोग देख सकते हैं इसका जो है बारे में दिया हुआ है कि इसका खासियत ये सब क्या है। और गाइस मैं आपको इसका पीछे की साइड दिखा देता हूँ, नीचे इंस्ट्रक्शन सब ये सब दिए हुए हैं। और गाइस यहाँ पर जो है बाकी मॉडल कार के जितने मॉडल आते हैं ये सब दिए हुए हैं, और गाइस यहाँ पे वार्निंग ये सब गाइस लिखे हुए हैं। इसका जो गाइस चार्जिंग टाइम है वो है 60 मिनट, और प्लेइंग टाइम है गाइस 20 मिनट। तो गाइस यही सब है, आप लोग पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए हम लोग इसका कार का टेस्ट करते हैं। सो गाइस ये है हमारा कार, गाइस देख सकते हैं इसका फ्रंट इस साइड है, और गाइस मैंने जो इसमें बैटरी लगा दिया है। और गाइस सबसे पहले इसे चलाने से मैं आप लोग को चेक कराने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये गाइस कार का कंट्रोल कैसे है और हम लोग इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मैंने रिमोट ऑन कर लिया, उसके बाद गाइस मैंने कार भी ऑन कर लिया है। गाइस देख सकते हैं यहाँ एक LED ब्लिंक कर रही है रेड ब्लू कलर की। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइस ये है फ्रंट, तो गाइस ये हमारा रिमोट। अगर गाइस हम लोग इसे पीछे करेंगे तो गाइस ये कार आगे बढ़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं इसे पीछे कर रहा हूँ, तो गाइस ये आगे बढ़ा। तो और गाइस इस बटन को हम लोग आगे यानी कि इस आगे करेंगे तो कार पीछे जाएगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने, मैं पीछे कर रहा था आगे जा रहा है, और ये आगे तो पीछे हो रहा है। तो गाइस अब देख सकते हैं, और गाइस लेफ्ट राइट का जो है गाइस बटन है ये, तो गाइस आप लोगों ने समझ लिया कि ये कार कैसे कंट्रोल होता है। अब गाइस मैं आप लोग को इसे चलाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस इस कार में जो है पावर बहुत ज़्यादा है गाइस। तो गाइस देख रहे हैं अभी इस कार में जो गाइस बहुत ज़्यादा पावर है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक मल्टीमीटर है, गाइस मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, और गाइस फिर हम लोग इसके ऊपर चलाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये कितना आसानी से चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये चढ़ा है, तो इसका चक्का जो देख सकते हैं गाइस, बाकी सब जो रिमोट कंट्रोल कार में गाइस होता है, अगर ये ऐसे रहेगा तो ये गाइस दूसरा चक्का हवा में रहेगा, लेकिन नहीं, लेकिन इसमें जो कार में है ये ऊपर नीचे है। तो गाइस देख सकते हैं सॉकर भी बिल्कुल इसका अच्छे से काम करता है। तो गाइस ये देख सकते हैं, फिर हम लोग और कुछ इस पर टेस्ट करते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं
यहाँ पर मैंने इतने सारे चीज़ लगा दिए हैं। अब गाइज हम लोग इस पर चढ़ाते हैं और गाइज देख सकते हैं अब हम लोग चढ़ाते हैं इस पर और फिर हम लोग चेक करते हैं इसका पावर कितना है। तो गाइज देख सकते हैं कितने है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा हूँ। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल आराम से इस सब पर चढ़ रहा है। तो गाइज यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने एक टेबल यहाँ पर लगा दिया है जो कि गाइज 30 डिग्री के लगभग यहाँ पर खड़ा है। तो गाइज अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये चढ़ पाता है या फिर नहीं। गाइज मैं बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ा रहा हूँ, गाइज ये बिल्कुल आराम से चढ़ जा रहा है और गाइज नीचे देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। तो गाइज अब मैं इसे एक बार डायरेक्ट इसे दाबा रखता हूँ फिर गाइज ये पार कर जाएगा। मजा आया, एक बार और चढ़ाते हैं। गाइज ये तो बिल्कुल आराम से चल रहा है। अब गाइज इसका जो है टेबल का लेवल थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो गाइज पहले के मुकाबले ये जो टेबल है थोड़ा सा और हम लोगों ने ऊपर कर दिया है। अब गाइज हम लोग देखते हैं ये चढ़ पाता है या नहीं। तो गाइज अभी भी ये जो बिल्कुल आराम से चढ़ रहा है, कोई इसको दिक्कत नहीं हो रहा चढ़ने में। तो गाइज हम लोग टेबल को अब हाथ से ही पकड़ते हैं और गाइज अब चढ़ाते हैं। तो गाइज इतना खड़ा हम लोग कर दिए हैं, अब देख। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं ये चढ़ पाता है या नहीं। तो गाइज अभी भी आराम से चढ़ रहा है। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं शायद ये अब नहीं चढ़ पाएगा इतना खड़ा। तो गाइज ये नहीं चढ़ पा रहा है, गाइज इतना में तो ये आराम से चढ़ जाता है। सो गाइज आप लोगों ने तो अभी देख ही लिया होगा कि गाइज इस कार में जो है गाइज बहुत ज़्यादा पावर है और गाइज इसका सॉकर जो है ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो गाइज अगर आप लोग भी चाह रहे हैं इसे लेना तो आप लोग गाइज बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज इस वीडियो में मैंने आप लोग को अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके इसका दिखाया और गाइज इसके अगले वीडियो में गाइज मैं आप लोग को बिल्कुल ख़तरनाक वाली ऑफ रोडिंग करके दिखाऊंगा इसका। गाइज मैं बहुत सारे लेवल से इसे गुजारूंगा फिर आप लोग गाइज इस अगर वीडियो वो अपलोड हो गई तो होगी तो आप लोग को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफ रोडिंग वाली वीडियो की। तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Show any fear.